Hello my dear friends, in this video we are going to discuss the ankle sprain, and this ankle sprain is very important for your theory exam, because from this topic, from the ankle sprain, SAQ comes in your exam, short answer type of the question. So hum bahut baar sunte hain ki sprain bhaiya humko sprain ho gaya, kya ho gaya, sprain ho gaya. तो ये स्प्रेन है क्या, इसको समझते हैं आज अच्छे से. तो स्प्रेन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज द अक्यूट वन एंड सेकंड वन इज द क्रोनिक वन. इफ द अक्यूट वन इज नॉट हील्ड प्रॉपरली देन एट अराउंड 4 to 6 months आफ्टर द अक्यूट इंजुरी द क्रोनिक स्प्रेन स्टार्ट टू डेवलप. सो स्प्रेन को अगर अच्छे से हम लोग समझें, सो स्प्रेन इज एक्चुअली द टीयर और इंजुरी ऑफ द लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स. अब लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स ही इंजर क्यों होते हैं, इनके अंदर ही टीयर क्यों होता है, यही क्यों टॉर्न होते हैं, बिकॉज ऑफ द मोस्ट कॉमन इंजुरी दैट इज द इन्वर्जन टाइप ऑफ द इंजुरी. मतलब कि अधिकतर टाइम जो फोर्स, जो प्रेशर लगता है वो कहाँ से लगता है, लेटरल साइड से. हमने देखा था ना लेग हॉन्सन क्लासिफिकेशन के अंदर कि SE जो था दैट वाज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंकल इंजुरी. इसमें क्या था कि SE से क्या, सुपाइनेशन एक्सटर्नल रोटेशन इंजुरी. यहाँ पे इवर्जन नहीं है, क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन इंजुरी. यहाँ पे S से क्या है, सुपाइनेशन. तो सुपाइनेशन एक्सटर्नल इंजुरी. अब सुपाइनेशन क्या है, दिस इज द इन्वर्जन. सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजुरी क्या थी, लॉग हैंसन क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि सुपाइनेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन टाइप ऑफ द इंजुरी वॉज द कॉमन इंजुरी. एंड दैट इज वाई द मोस्ट कॉमन लिगामेंट्स दैट गेट इंजर्ड आर द लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स. अब दूसरी बात, पहली बात तो क्या है कि मोस्ट कॉमन जो इंजुरी होती है वो कौन सी होती है, सुपाइनेशन एक्सटर्नल रोटेशन इंजुरी. दूसरा जो रीज़न है वो क्या है, ये एक पतली सी बोन, दैट इज़ द फिब्यूला बोन. फिब्यूला बोन से ये लिगामेंट्स, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स अटैच्ड हैं. दैट इज़ वाई ये लिगामेंट्स कैसे होंगे, थोड़े से कमज़ोर टाइप के होंगे, कैसे होंगे, वीक टाइप के होंगे. दैट इज़ वाई एक दूसरा रीज़न ये भी है कि दीज लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स आर वीक लिगामेंट, दैट इज़ वाई दे इंजर्स वेरी रिपीटेडली. सो दो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं कि भैया एंकल स्प्रेन है क्या. तो एंकल स्प्रेन इज एक्चुअली द इंजुरी ऑफ द लिगामेंट्स. यहाँ पे फ्रैक्चर वगैरह की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या बात करेंगे, लिगामेंट्स की इंजुरी, जस्ट इंजुरी ऑफ द लिगामेंट इज द एंकल स्प्रेन. अब कौन से लिगामेंट्स इंजर होते हैं, तो कौन से लिगामेंट्स होंगे जो वीक लिगामेंट है, और वो इंजुरी की वजह से जो मोस्ट कॉमन है, कौन सी इंजुरी मोस्ट कॉमन है. तो सुपाइनेशन एक्सटर्नल रोटेशन इंजुरी इज़ द मोस्ट कॉमन इंजुरी. दैट इज़ वाई इसकी वजह से जो लिगामेंट्स इंजर होंगे वो कौन से होंगे, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स. सो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजुरी इज द सुपाइनेशन एक्सटर्नल रोटेशन इंजुरी, एंड बिकॉज ऑफ दिस द लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स विल गेट इंजर्ड मोस्ट कॉमनली. एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स इंजुरी, अब क्या हो गए हैं, जो लिगामेंट्स थे वो क्या हो गए, इंजर हो गए. वो क्या हो गए, अब यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि ये क्या है, इन्वर्टेड फुट है और सुपाइनेटेड फुट है. अब इसमें क्या हो गया है कि ये जो लेटरल साइड पे जो लिगामेंट्स हैं ये इंजर हो गए हैं. तो क्या होगा, यहाँ पर जम के पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा. सबसे पहले क्या होगा, पेन होगा इंजुरी की वजह से, और कुछ समय के बाद यहाँ पे क्या होगा, ब्लड फ्लो क्या होगा, एक्सेसिव हो जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, द स्वेलिंग. सो स्वेलिंग एंड पेन, दिस विल बी द टू क्लिनिकल सिम्टम्स, और ये दो ही सिम्टम्स लेके जो पेशेंट है वो कहाँ आने वाला है, डॉक्टर साहब के पास. ठीक है. सो एंकल स्प्रेन की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ दी इंजुरी ऑफ द लिगामेंट्स. अब मोस्ट कॉमन लिगामेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स, बिकॉज ऑफ द मोस्ट कॉमन इंजुरी टाइप, दैट इज़ द सुपाइनेशन एक्सटर्नल रोटेशन इंजुरी टाइप. अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस सिंपल. अब एक्सरे वगैरह बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, मोस्टली
मोस्टली क्या फिजिकल एग्जामिनेशन क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो करेंगे हम लोग, जो डॉक्टर क्लिनिकल एग्जाम में ऑर्थोपेडिशियन क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके बता देगा कि भैया यहाँ पे पेशेंट को कोई फ्रैक्चर नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है, उसके उसके फुट के रोटेशन वगैरह करके वो चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग हमारे हिसाब से डायग्नोसिस कर लेंगे, एक्सरे कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर फ्रैक्चर नहीं है वो पता कर लेंगे हम लोग, और फ्रैक्चर नहीं है तो क्या हुआ होगा, एंगल स्प्रेन, एंड बिकॉज ऑफ दिस द पेशेंट इज़ हैविंग लोकलाइज्ड पेन एंड स्वेलिंग, और लोकलाइज्ड पेन एंड स्वेलिंग इज कॉल्ड इज द टेंडरनेस, तो टेंडरनेस लेकर ही तो पेशेंट हमारे पास आता है, और वही चेक कर लिया हमने, और रूल आउट क्या करना है, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर को रूल आउट कर लिया, तो ऑब्वियसली इट विल बी द स्प्रेन। सो पेशेंट आया हमारे पास, तो पेशेंट क्या बोलेगा, पेशेंट से हम लोग पूछेंगे कि भैया हुआ क्या था, ये इंजुरी आपको किस वजह से हुई, तो पेशेंट बोलेगा कि सर डॉक्टर साहब मेरा जो पैर है वो क्या हो गया था, ट्विस्ट हो गया था, मुड़ गया था, और मुड़ने को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन हमारी लैंग्वेज में, उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं मुड़ना, पेशेंट की लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ द फुट, तो क्या हो गया, फुट इन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, ट्विस्ट हो गया, एंड बिकॉज ऑफ ट्विस्टिंग, अब हम समझ जाएंगे कि ट्विस्टिंग मतलब कि मोस्ट कॉमन ट्विस्टिंग जो होती है वो कौन सी होती है, सुपाइनेशन एक्सटर्नल रोटेशन। अब इसके अंदर क्या हुआ होगा कि लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स इंजर हो गए होंगे, और उसके बाद दूसरी जो कंप्लेंट देता है पेशेंट की, डॉक्टर साहब जब मैं पैर ज़मीन पर रखता हूँ, जब मैं पैर, ये क्या है ज़मीन, और जब मैं पैर डॉक्टर साहब ज़मीन पर रखता हूँ ना, तो मुझे बहुत जम के पेन होता है, सो पेन एनहांसेस ऑन वेट वियरिंग। सो ये दो कंडीशंस लेके पेशेंट हमारे पास आने वाला है, और उसी के बेस पे हम लोग बनाएंगे डायग्नोसिस। सो क्लिनिकल सिम्टम्स के बेस पे क्या बनेगी, डायग्नोसिस। अब ट्रीटमेंट सिंपल बोलेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल राइस खाने हैं, क्या खाने हैं, राइस खाने हैं। तो राइस मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको रेस्ट करना है, सबसे पहले तो क्या कराना है, लेग को, फुट को क्या कराना है, रेस्ट, मतलब कि चल फिर वॉकिंग वॉकिंग जो भी सब चीज़ें करते हो आप सब बंद कर दो कुछ समय के लिए, इसके ऊपर लोड ही नहीं देना है सबसे पहले तो आपको, क्योंकि लोड वॉज द रीज़न ऑफ कॉजिंग पेन, अगर पेन होता रहेगा तो हील कैसे होगा, तो सबसे पहले तो जो रीज़न है जिसकी वजह से पेन हो रहा है उसको हटा दो, मतलब रेस्ट कराओ पेशेंट को। उसके बाद आइस पैक्स लगाना है, आई से क्या है यहाँ पे, राइस के अंदर जो आई है उससे क्या है, आइस पैक्स, आइस पैक्स लगाएंगे हम, जहाँ जहाँ पर स्वेलिंग है, जहाँ जहाँ पर पेन हो रहा है वहाँ पर क्या लगाएंगे, आइस पैक्स। आइस पैक्स लगाने से क्या होगा कि आइस क्या होता है, ठंडा ठंडा होता है, ठंडा ठंडा होता है, तो जहाँ जहाँ पर हम लोग लगाएंगे वहाँ पर क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू द लेस स्वेलिंग, मतलब ब्लड सर्कुलेशन अगर कम होगा तो ऑब्वियसली स्वेलिंग जो होगी वो कम हो जाएगी। उसके बाद स्वेलिंग को और रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कंप्रेशन यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, कंप्रेशन। अब कंप्रेशन बैंड्स आते हैं, कंप्रेशन बैंड्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ब्रेसेस भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेसेस क्या होते हैं, आर्टिफिशियल ऐसे कुछ जो होते हैं, प्लेट्स होती है, आर्टिफिशियल रबर होती है, प्लेट्स होती है, वो जहाँ पर भी पेन होता है, स्वेलिंग होती है, उसके अराउंड लगा देते हैं सिंपल। अब क्या करेंगे, ये ब्रेसेस उसको जहाँ पर भी पेन है, स्वेलिंग है, उसको कंप्रेस करेंगे, क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो स्वेलिंग क्या होगी, वहाँ से चली जाएगी। और उसके बाद क्या करना है, रेस्ट कर लिया, आइस पैक्स लगा लिए, कंप्रेशन भी लगा लिया, अब क्या करना है, एलिवेट कर देते हैं। अब क्या है, नॉर्मल सिंपल जो लेग है उसको क्या कर दो, एलिवेट। अब एलिवेट कर देंगे तो क्या होगा कि जो भी स्वेलिंग है वो क्या चली जाएगी, बॉडी में चली जाएगी, ठीक है, जो लिक्विड यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है दैट इज़ कॉजिंग स्वेलिंग, और वो क्या होगी, बॉडी के अंदर चली जाएगी। सो राइस खिलाओ, अगर स्प्रेन हुआ है तो भैया क्या खिलाओ, डॉक्टर साहब आपके पेशेंट को क्या खिलाओगे, राइस, क्या खिलाओगे, राइस। राइस मतलब कि सबसे पहले रेस्ट, आइस पैक्स, कंप्रेशन और एलिवेशन। सो दिस इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ द अक्यूट स्प्रेन। Now this acute sprain, if not healed, not properly healed because of the rise, then what will it lead to? It will cause the chronic sprain or chronic instability, ankle instability. So agar aapse pucha jaye ki chronic sprain ka reason kya hai, so chronic sprain ka reason kya hai, sprained angle or acute sprained angle not adequately healed. And this will lead to the chronic sprain. अब chronic sprain
को होने में कितना टाइम होता है, जैसे मान लो आज इंजुरी हुई है तो एट अराउंड 4 to 6 months आफ्टर दी फर्स्ट स्प्रेन दी क्रोनिक स्प्रेन डेवलप्स, मतलब कि 4 to 6 months आफ्टर दी फर्स्ट इंजुरी दी क्रोनिक स्प्रेन विल डेवलप इफ दी अक्यूट स्प्रेन नॉट हील्ड एडिक्वेटली और नॉट रिहेबिलिटेटेड कंप्लीटली। मतलब कि रिहेबिलिटेशन मतलब क्या होता है कि ये सारी जो प्रोसेस है इसको क्या किया है हमने, कंप्लीट नहीं किया, उसकी एक्सरसाइज वगैरह करानी थी ना हमको। रिहेबिलिटेशन मतलब क्या होता है कि एक्सरसाइज एक्सरसाइज करा के प्रॉपरली उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं लिगामेंट्स को, तो प्रॉपरली रिहेबिलिटेशन भी प्रॉपर एक्सरसाइजेज भी नहीं की, तो उसकी वजह से दिस अक्यूट स्प्रेन विल कन्वर्ट इंटू दी क्रोनिक स्प्रेन। नाउ दिस इज अ डेंजरस कंडीशन। अब इसमें क्या होगा, पेशेंट क्या कंप्लेंट लेके आएगा कि सर मुझे परसिस्टेंट डिस्कम्फर्टनेस रहती है, मतलब कि दिन भर 24 घंटे रेस्ट करूँ या कुछ भी करूँ, रेस्ट करने के बावजूद इन स्पाइट ऑफ गेटिंग रेस्ट द पेन इज परसिस्ट, पेन अभी भी हो ही रहा है और स्वेलिंग भी कंटिन्यू रहने वाली है, और जहाँ पर भी इंजुरी हुई थी वहाँ पर क्या रहेगी, टेंडरनेस, मतलब कि वहाँ पे टच करेंगे तो पेशेंट को क्या होगा, पेन। ओके, सो पेशेंट क्या लेके आएगा कंप्लेंट, परसिस्टेंट डिस्कम्फर्ट, उसके बाद क्या, स्वेलिंग तो ऑब्वियसली हो नहीं है और टेंडरनेस। नाउ यहाँ पे अब ट्रीटमेंट की बारी आती है, अब क्या पूछ लेंगे हम लोग कि परसिस्टेंट डिस्कम्फर्ट, स्वेलिंग और टेंडरनेस। अब एक्सरे यहाँ पे करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन के बेस पे डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट डिसाइड करेगा। अब नॉन सर्जिकल और सर्जिकल दो टाइप से हो सकता है। अब नॉन सर्जिकल में क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लेंगे। फिजियोथेरेपी क्या कराएगा कि एंकल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे, क्या कराएंगे, फिजियोथेरेपी की हेल्प से। फिजियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है उसकी हेल्प से क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ आ गई एंकल के अंदर, दैट इज़ द मेन एम, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, तो स्ट्रेंथन एंगल एंकल को जो है वो क्या करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद अब अगर जो बैलेंस बनाने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बनाएंगे इम्प्रूव बैलेंस। उसके बाद रेंज ऑफ मोशन, अगर रेंज ऑफ मोशन, अगर मोशन जो मूवमेंट की रेंज है एंकल जॉइंट पे वो अगर रेस्ट्रिक्टेड हो गई है तो उसको क्या करेंगे, इम्प्रूव कराएंगे, रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव कराएंगे। और जो मसल्स हैं जो एंकल जॉइंट पे मूवमेंट कराती हैं उनको क्या करेंगे, वापस से रिट्रेन करेंगे, वापस से उनको सिखाएंगे, बताएंगे कि भैया ये वाली जो मसल मसल तुमको अभी एक्ट करना है इस डायरेक्शन में, तो उनको क्या करेंगे, रिट्रेन करेंगे। तो फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से क्या करेंगे, सबसे पहले तो एंकल को स्ट्रेन करा देंगे और जो रेंज ऑफ मोशन को क्या करेंगे, इम्प्रूव कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि बैलेंस अगर नहीं बना पा रहे हैं हम लोग, अब एंकल क्या है, लोड बियरिंग है ना, लोड बियरिंग जॉइंट है, लोड बियरिंग पार्ट है हमारी बॉडी का, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर पेन होगा तो हम बैलेंस नहीं बना पाएंगे, तो क्या करेंगे, बैलेंस बनाना सीखेंगे, तो इम्प्रूव बैलेंस करेंगे। और उसके बाद जो भी मसल्स जो एंकल जॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, जो मूवमेंट कराने वाली हैं, उनको क्या करेंगे, वापस से रिट्रेन। उसके बाद ब्रेसिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। ब्रेसिंग क्या करेंगे, जो एंकल जॉइंट है एंकल जॉइंट को स्टेबल बना के रखेंगे, क्या करेंगे, स्टेबल बना के रखेंगे। तो स्टेबल अगर रहेगा एंकल जॉइंट, सो एंकल जॉइंट पे अगर मूवमेंट नहीं होंगे तो ये जो लिगामेंट्स हैं लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स जो रप्चर हो गए हैं, इंजर हो गए हैं, टीयर हो गए हैं, वो प्रॉपरली कैन हील, प्रॉपरली हील हो सकते हैं। सो ब्रेसिंग की हेल्प से एंकल को क्या करेंगे, प्रॉपर पोजिशन में रखेंगे, और प्रॉपर पोजिशन से क्या फ़ायदा होगा कि हील जो है लिगामेंट्स इजीली हो जाएंगे और अच्छे से हो जाएंगे, प्रॉपरली एडिक्वेटली हील हो जाएंगे। और उसके बाद अगर पेशेंट को फिर भी पेन है तो उनको क्या दे देंगे, मेडिकेशंस लाइक पेन किलर ही देंगे, और पेन किलर में कौन सी, एनसेट्स, और एनसेट्स के अंदर आइबुप्रोफेन। अब क्रोनिक स्प्रेन के लिए जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, अब अगर नॉन सर्जिकल से अगर ठीक नहीं होता पेशेंट तो क्या करेंगे, अल्टीमेटली सर्जरी। सर्जरी में क्या करते हैं, अब सर्जरी से यहाँ से आता है पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, एमसीक्यू, कि जो ऑपरेशंस हैं जो सर्जरी करेंगे उनके नेम क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सर्जिकल और ऑपरेशन के अंदर क्या करते हैं, ये क्या है, पेरोनियस ब्रेविस का टेंडन है, ये आ रहा है ना यहाँ से फिब्यूला की साइड से, लेटरल साइड से, ये पेरोनियस ब्रेविस का टेंडन, पेरोनियस ब्रेविस मसल का टेंडन। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, ये जो लिगामेंट्स हैं
कौन से लिगामेंट्स हैं? एक तो एंटीरियर टेलो फिब्युलर लिगामेंट, पोस्टीरियर टेलो फिब्युलर लिगामेंट, और एक है कैल्केनियो फिब्युलर लिगामेंट। इनको क्या करेंगे? रिकंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ द पेरोनियस ब्रेविस मसल टेंडन। अब पेरोनियस ब्रेविस मसल का टेंडन ही क्यों यूज़ करेंगे? अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे कि एक तो इसको भी, इसका भी पार्ट प्ले करे और इस लिगामेंट का पार्ट भी ये रोल प्ले करे और इस लिगामेंट का पार्ट भी ये रोल प्ले करे। कौन सा लिगामेंट? पेरोनियस ब्रेविस मसल का टेंडन। मतलब पेरोनियस ब्रेविस मसल का जो टेंडन है इसको हम लोग इस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, उसको सेट कर देते हैं। सो यहाँ पे कुछ पार्ट जो है इसका यहाँ पे अटैच कर देते हैं इस तरीके से, और फिर कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, और फिर इस टाइप से। तो ये तीनों लिगामेंट्स को ये टेंडन जो है पेरोनियस ब्रेविस मसल का जो टेंडन है ये क्या करता है, इस तरीके से उसको अरेंज कर देते हैं कि तीनों लिगामेंट्स का ये रोल प्ले भी साथ में करें। सो इन द सर्जरी और इन द ऑपरेशन ऑफ द क्रोनिक स्प्रेंड एंगल, व्हाट वी डू विद द हेल्प ऑफ द पेरोनियस ब्रेविस टेंडन, वी रिकंस्ट्रक्ट द एंटीरियर टेलो फेब्युलर लेगामेंट एंड द कैल्केनियो फेब्युलर लेगामेंट और पोस्टीरियर टेलो फेब्युलर लिगामेंट्स। अब इसके लिए जो ऑपरेशन करते हैं उसके कुछ नाम होते हैं, कुछ नेम्स हैं, एंड दिस नेम्स आर इम्पोर्टेंट फॉर योर पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो लेट्स सी व्हाट आर दीज ऑपरेशंस। सो पेरोनियस ब्रेविस टेंडन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास जो ऑपरेशंस के नाम हैं वो कौन कौन से हैं, इसके लिए एक ट्रिक है, नेमोनिक है, दैट इज विल्स सी। क्या है? WELLS विल्स सी, विल सी। सो या तो आप W और दैट इज कॉल्ड एज दी वॉटसन जॉन्स टेक्निक और ऑपरेशन की हेल्प से आप ये पेरोनियस ब्रेविस मसल के टेंडन को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इनटू दी ATFL और CFL। क्या नाम है? वॉटसन जॉन्स टेक्निक और ऑपरेशन। अब नाउ हियर वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट टेक्निक और ऑपरेशन जो है वो किसके लिए यूज़ करेंगे, किसके लिए? लिगामेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। वाइल द वॉटसन जोन्स अप्रोच इज यूज्ड फॉर द हिप सर्जरी। अगर हिप सर्जरी की बात आएगी तो अप्रोच आएगी यहाँ पे, हिप के अंदर पी है ना, पी से आप इजीली रिमाइंड कर सकते हो कि अगर वॉटसन जोन्स अप्रोच इज फॉर, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। वॉटसन जोन्स अप्रोच अगर बोला तो दिस इज रिलेटेड टू दी हिप सर्जरी। अप्रोच की अगर बात करेंगे कि वॉटसन जोन्स अप्रोच की अगर बात करेंगे तो इट इज़ रिलेटेड टू दी हिप सर्जरी। बट अगर वॉटसन जोन्स टेक्निक या फिर ऑपरेशन की बात करेंगे, तो टेक्निक की अगर बात करेंगे, ऑपरेशन की बात करेंगे, तो इट इज़ रिलेटेड टू दी एंकल स्प्रेन। सो नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, दैट वॉटसन जोन्स टेक्निक और वॉटसन जोन्स अप्रोच, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो वॉटसन जोन्स अप्रोच इज फॉर द हिप सर्जरी एंड टेक्निक इज फॉर द एंकल स्प्रेन। उसके बाद विल्स क्या है? विल्स सी है ना, तो W से क्या है? वॉटसन जोन्स टेक्निक और ऑपरेशन। ई से क्या है? इवन टेक्निक के थ्रू भी आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। फिर दूसरी टेक्निक क्या है? एल्म्सली टेक्निक, और विल के अंदर एक इवान, दूसरे ई से क्या है? एल्म्सली, और एल से क्या है? लार्सन टेक्निक, और एस से क्या है? समार्को एंड डाई रेमंडो टेक्निक, और सी से क्या है? क्रिसमन स्नूक टेक्निक। सो माई डियर फ्रेंड्स, एंकल स्प्रेन अगर आपकी थियरी एग्जाम में SAQ टाइप क्वेश्चन आता है, तो नाउ इफ़ यू विल राइट ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में तो आया ना सारा, और ये समझ के अगर आप सारी चीज़ें अच्छे से याद करके
एग्ज़ाम के अंदर लिख दोगे, आपको फुल एंड फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द एंकल स्प्रेन, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द कैल्केनियम बोन फ्रैक्चर एंड द टेलस बोन फ्रैक्चर।